कटाई लगाई जाए इसे सेना बचाए। कंप्लीट रूप से लॉन्ग देने की जरूरत है। जो सनातन विरोधी हैं, उनका भी वही अंजाम होगा। और खींचो सेनापति, और खींचो, और खींचो। और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। अगर वापसी आप कराए हैं, तब से आपके पीछे ईसाई मिशनरियां और इस्लामिक संगठन लग गए हैं। मुझे आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला यहाँ छतरपुर में जो वहाँ के इलाज से ठीक हुआ हो। चालाकिया कर रहा था कि देखा ही गुरुजी असली है कि नकली। उनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है उनको झूठा है। तो ये मूल कारण है, ये गंदा प्रेत है, भेजा गया है, इसका प्रयोग 2013 में शरीर को पकड़ा है। नमस्कार, टाइम्स राउंड और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरे देश में बागेश्वर सरकार के चमत्कार पर महाभारत मचा है। धीरेंद्र शास्त्री के चमत्कार के दावों पर अब सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ धीरेंद्र शास्त्री को नए नए चैलेंज दिए जा रहे हैं। इस बीच धीरेंद्र शास्त्री का रायपुर में दरबार जारी है। आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। हम राष्ट्रवाद में धीरेंद्र शास्त्री के दावों और सच्चाई का लाइव टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद होंगे हमारे पैनल पर, और कुलदीप जी जादूगर मैजिशियन भी मौजूद होंगे, जो बताएंगे ये कोई जादू है, आंखों का भ्रम, हाथों की सफाई क्या कुछ है, और पर्ची वाले बाबा की पहेली का पूरा सच क्या है, इसकी हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच धीरेंद्र शास्त्री को नए चैलेंज मिल रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पर्ची वाले बाबा यानी धीरेंद्र शास्त्री को चमत्कार पर नया चैलेंज दिया है। उनका कहना है कि चमत्कार कर सकते हैं तो उत्तराखंड के जोशीमठ में मकानों में आई दरारों को ठीक करके दिखाएं। वहीं जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने तो धीरेंद्र शास्त्री पर ही सवाल उठा दिए और उन्हें जेल भेजने तक की बात कह दी। इसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो बागेश्वर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, सुनिए। ऐसे ही बाबा, और ऐसे बाबा को कंप्लीट रूप से लोन देने की जरूरत है। बिना देर किए ये जो समाज में गलत फहमी पैदा किया जा रहा है और जो बड़े बड़े नेता इसके यहाँ जा रहे हैं उनको रोकना चाहिए। ये सही नहीं है, उनका चरित्र सही नहीं है, और ऐसे बाबाओं का जगह जेल है, कालकोठरी है, आसाराम और राम रही। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे, हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, ये कौन सा? अच्छा मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जय कार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ। सनातन के नाम से सनातनों को ही लूटना, अंधविश्वास बता करके, ये गलत है। और ये गलत इसलिए है कि अशब्दों का प्रयोग ज्यादा करते हैं। मुझे आज तक कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला यहाँ छतरपुर में जो वहाँ के इलाज से ठीक हुआ हो। कई लोग मृत हो गए कैंसर जैसी घातक बीमारियों से, जो बम्बई से भी लौट के आए उनको एक आसरा दिया जाता है कि वहाँ बागेश्वर में ठीक हो जाता है। कोई भी लोग ठीक नहीं हुए, ये अंधविश्वास के चलते लोगों की जिंदगी के साथ वहाँ खिलवाड़ हो रहा है। तो आपने ये कुछ प्रतिक्रियाएं सुनी। एक तरफ विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में संत समाज उतर चुका है। हिंदू संगठन धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में देश के कई शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो संत समाज का आरोप है कि जब से धीरेंद्र शास्त्री ने धर्मांतरण रुकवाया है तब से मिशनरियां उनके खिलाफ साजिश में जुट गईं। संत समाज का कहना है कि सनातन के खिलाफ साजिश हो रही है, जिससे लड़ने के लिए हिंदू समाज को एकजुट हो जाना चाहिए। सरकार की
कृष्ण शास्त्री, आप घर वापसी आप कराए हैं, तब से आपके पीछे ईसाई मिशनरियां और इस्लामिक संगठन लग गए हैं। मैं पूछ रहा हूं, तमाम जो है मुल्ला मौलवी जो है झाड़ फूंक कर रहे हैं, तमाम ये मजार बना रहे हैं, जबकि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है तो क्यों मजार की पूजा हो रही है? इस्लाम में क्यों भूत प्रेत जाला जा रहा है उसको तो कोई पाखंडी नहीं बता रहा है? क्यों जो है इधर जो है तो मदरसों में जाकर के देखिए एंटी हिंदू पढ़ाया जा रहा है, उनका विरोध नहीं हो रहा है? इसलिए ईसाइयों का कोई विरोध नहीं हो रहा है, मिशनरियां तमाम षड्यंत्र कर रही हैं। इसलिए सनातन विरोधियों को यह चुनौती है, अगर ये जो है तो इसके बावजूद भी हमारे जो है पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री का विरोध करेंगे तो फिर हम करोड़ों साधु संत इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। उनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है उनको झूठा है, और उस आरोप के परिप्रेक्ष्य में जो लोग लगा रहे हैं उनका इसी विनाश होगा जैसे पूर्व काल में राक्षसों का विनाश हुआ। ये हमले शुरू हुए 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन, जब बागेश्वर धाम महाराज जी ने पिछड़े आदिवासी जिनका धर्म परिवर्तन हो गया तो उनकी घर वापसी कराई। उससे पहले तो कोई हमला नहीं हो रहा था, सारे हमले उसी दिन से शुरू हुए हैं, क्योंकि वहां पे घर वापसी हो रही है, क्योंकि वहां पे धर्म परिवर्तन रोकने का काम हो रहा है, क्योंकि वहां पे लव जिहाद के खिलाफ चर्चा हो रही है, इसी कारण ये हमले हो रहे हैं। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम ऐसे समय में महाराज जी का साथ दें। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार धीरेन्द्र शास्त्री फंसेंगे या बच निकलेंगे इस पूरे भंवरजाल से। राष्ट्रवाद में सबसे पहले आज उन सवालों पर नजर जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। पहला बड़ा सवाल होगा, बागेश्वर सरकार पाखंड है, प्रचंड है या फिर दिव्य शक्ति अखंड है उनके पास? सवाल ये भी कि विज्ञान बनाम चमत्कार बचेंगे या फंसेंगे धीरेन्द्र सरकार? सवाल ये भी कि पर्ची वाले बाबा की पहेली का पूरा सच क्या है, और इस सच को दिखाने के लिए हमने स्टूडियो में भी पूरा इंतजाम किया है। सवाल ये भी होगा कि बागेश्वर सरकार को नया चैलेंज मिला है शंकराचार्य के द्वारा, तो क्या इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है रुचिका अग्रवाल, जो कि प्रेसिडेंट है विश्व सनातन हिंदू संघ की। आचार्य शैलेश तिवारी जी धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी चेतनानंद सरस्वती जी हमारे साथ धर्मगुरु के तौर पर जुड़े हैं। कुमार कुलदीप जी जो कि जादूगर है, मैजिशियन है, जो कि बताएंगे ये हाथों की सफाई क्या कुछ खेल है भाई इसके पीछे। डॉक्टर सजीला मैनी जी हैं जो कि सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में। रवि पांडे एडवोकेट है उस छतरपुर से जहां पर ये पूरा धाम मौजूद है, बागेश्वर धाम, उनसे हम बातचीत करेंगे। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट लीडर हमारे साथ मौजूद है। लेकिन मैं सबसे पहले जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं पप्पू यादव जी, मैं उनका रुख करूंगा और शुरुआती 5 से 6 मिनट में सिर्फ उनसे बातचीत करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है पप्पू यादव जी आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि आपने कहा कि रौंद देना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए, इतने नाराज क्यों हैं आप बागेश्वर धाम सरकार से? सर मैं नाराज नहीं हूं, ये कंप्लीट IMA ITN विज्ञान शिव को मानने वाले लोग, नानक को, बुद्ध को, कबीर को, राम को, मोहम्मद को, चाहे बुद्ध को, जिन लोगों ने भी, जो लोग जिसको हम लोगों ने बिना गीता कुरान बाइबिल, बिना किसी अक्षर के, बिना किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च के, जब कृष्ण आए कृष्ण के आचरण से गीता बनी, राम के कर्म से रामायण की कल्पना हुई, कल्पना वाल्मीकि जी ने की, ऋषियों ने किया, उसका उल्लेख, उसको तुलसीकृत रामायण एक खूबसूरत शब्दों में अलंकृत किया जिसको हम आराध्य किए, इसी तरह शिव का वसुधैव कुटुंबकम जब उन्होंने जहर को गरल करके संपूर्ण सर्वधर्म संभाव और सार्वभौमिकता की बात की थी, कर्मयोगियों की बात की थी, अंधविश्वास में याद होगा गीता में एक लाइन लिखी है कि नाग पंचमी ये सारी चीजें जब जमुना में जब उन्होंने मानव शक्ति के खिलाफ, मानवता के खिलाफ नाग पंचमी के खौफ से लोग दूर से पानी लाते थे तो बॉल के बहाने कृष्ण उतर के बध करके ऊपर आए थे। आप कृष्ण के कर्मयोग को भी मानते हो, आप शिव की आराध्य ताकत जो विश्व गुरु जो सबसे प्रथम गुरु हैं उसको भी मानते हो, आप राम के कैरेक्टर को भी मानते हो, आप अपोह दीपो भवा बुद्ध की उस शाश्वत ताकत को भी मानते हो, आप कंप्लीट रूप से दुनिया की सबसे बड़ी अध्यात्म
विज्ञान जहां समाप्त होती है अध्यात्म का नैसर्गिक दर्शन, हम यदि उसको जाते हैं तो आप ऋषियों हैं, ऋषि हमारे साधना तपोभूमि संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भाग्यम यथा पूर्वे। आप शब्दों को देखोगे तो जीवन में जितनी सी राजधानी आई, दो दो गुरु गोविंद सिंह साहब ने तो अपने दो बच्चे को शहीद किया और दो बच्चों को कुर्बान कर दिया, चिनार में चुनाए गए। आप किसी ने चमत्कार और कल्पना की बात, आज तक महाभारत में अर्जुन की पात्रता के रूप में चयन हुआ, बुद्ध ने अशोक का चयन किया, राम ने हनुमान का चयन किया, मोहम्मद ने हजरत का चयन किया। आप दुनिया के जब कभी एक संत को देखोगे, महर्षि जी थे या बहुत बड़े बड़े साधक इस धरती पर आए, कभी भी इस तरह की बातें मैं अंधविश्वास से अडम, देखो ये सनातनी हिंदू धर्म, ये चमत्कार और एक ऐसे लोगों के बारे में चर्चा हो रही है, इसमें हिंदुत्व संत सनातनी ये चर्चा का विषय, मेरी बात समझ लेना, मैं वही बात आपको कह रहा हूँ। इसके पहले भी देखिए, यदि चमत्कार की बात आप करोगे तो इनसे बोलो कि जज लोया और हरिन पांड्या से बात कर लेंगे, रावण यादव जी, पप्पू यादव जी, एक सवाल, दोनों से बात नहीं, कर लेंगे, इसको सियासी मोड़ पर नहीं लेते हुए, आपको कहां से चमत्कार दिखा? बागेश्वर धाम सरकार तो कहते हैं कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता, हनुमान जी की प्रेरणा से, बालाजी की प्रेरणा से जो कुछ आता है वो मैं बोल देता हूं। मैं तो वही बात तो कह रहा हूं, सुनिए न तो मेरी बात, कौन बालाजी, ये तो आप एक स्पिरिचुअल साइंटिफिक बहुत सारे साइकोलॉजिकल माइक्रोवाइटा भी है इस जीवन में, दर्शन है, आप जब साइंस को जानोगे, साइंटिस्ट को देखोगे, मैं चमत्कार की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जिस तरीके के देखो, हमारा देश गरीबी और शिक्षा बेरोजगारी 90%, आप पहले उनसे पूछो ना जिनको बैठाए हो, जो 20% बीस्ट हो मात्र कंपनी मुनाफा 90% लेता है, और 100 व्यक्ति के पास 60% दौलत है जो मात्र 3% ही GST देता है, रेस्ट जो लोग हैं वो कंप्लीट 3% दौलत वाले जो लोग हैं 64% GST देता है जो गरीब है। ठीक है, आप किसी बड़े दुनिया के अन्य लोग जो अमीर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, आप वहां पर चारों तरफ देख लो, एक जो मार्केटिंग है, आप इसके पहले आसाराम को देखो, इसके पहले निर्मल को देखो, आप गौर से समझने का प्रयास करो भैया कि ये लोग क्या क्या करते थे, इन लोगों के बारे में यदि मैं ठीक है पप्पू जी, मुझे लगा था कि शायद आपके पास कुछ फैक्ट्स होंगे, मुझे लगा था कि शायद आपके पास कुछ फैक्ट्स होंगे और आप साबित करेंगे कि आरंभ कैसे है, अंधविश्वास कैसे है, लेकिन आप इसमें सियासी गुंजाइश तलाश रहे हैं। सर मुझे डिबेट में आगे बढ़ना है, मैं आपको बता, मुझे डिबेट में आगे बढ़ना है। पप्पू जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। हम कोई गुंजाइश नहीं तलाशते, हम कोई गुंजाइश नहीं तलाशते भैया, आप बाबा रामपाल को क्यों नहीं देखते? नहीं ठीक है, आपने गुंजाइश तलाशी है पप्पू जी, मैं इस डिबेट को पॉलिटिकल डिबेट नहीं बनाना चाहता हूं, मैं इस डिबेट को पॉलिटिकल डिबेट बिल्कुल नहीं बनाना चाहता हूं पप्पू जी, मुझसे ये कहा गया कि आप शायद डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं सर, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, ये जो इस तरीके के बयान आ रहे हैं, स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, सियासी गुंजाइश तलाशी जा रही है बागेश्वर धाम सरकार के बहाने, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल, जैसे अभी पप्पू यादव जी बोल रहे थे जज लोहिया के बारे में, अरे आप हनुमान जी की साधना वो करते हैं, हनुमान जी की बात करते हैं, रामचरितमानस की बात करते हैं, रामचरितमानस की कथा करते हैं, और आप सबको पता है कि हमारे इस चराचर जगत में जिस प्रकार मनुष्य एक योनी है, जिस प्रकार पशु पक्षी एक योनी है, उसी प्रकार भूत प्रेत पिशाच निशाचर ये सब एक योनी है। हमारे 500 से ज़्यादा वर्ष हो गए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो तुलसीदास जी ने भूत प्रेत की जो चर्चा की है, क्या नहीं होते हैं, इसीलिए उन्होंने चर्चा की है। ठीक उसी प्रकार जब लोगों के भूत प्रेत लगते हैं तो अलग अलग स्थान का बात है। अगर नहीं नहीं आचार्य शैलेश जी, 21वीं सदी में जब इंसान मंगल तक पहुंच चुका है, विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, आपको लगता है कि भूत प्रेत की बातें करनी चाहिए? शरीर से प्राण कहां जाता है और उस प्राण की वजन कितना है, क्या किसी विज्ञान ने अभी तक बताया? अगर बताया है तो मुझे बताएं आप। मतलब आपको लगता है कि आपके हिसाब से विज्ञान की बातें छोड़ देनी चाहिए,
सिर्फ अध्यात्म के सहारे हम विकास कर सकते हैं। विज्ञान बिल्कुल अच्छा है, विज्ञान अच्छी बात है और विज्ञान को मैं भी मानता हूँ, मैं भी आईएससी में विज्ञान का छात्र रहा हूँ। तो विज्ञान कहेगा, विज्ञान कहेगा कि प्रेत दरबार लगा लें। आईएससी का विज्ञान का छात्र रहा हूँ। शैलेश जी, विज्ञान कहता है कि प्रेत दरबार लगा लें। मैं इस तरह की बातें नहीं करता कि आप प्रेत दरबार लगाइए, लेकिन मैं इस बात को कहता हूँ कि जो लोग राजनीतिक रूप से विरोध कर रहे हैं, वह लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने धर्मांतरण हुए लोगों को घर वापसी कराया। आज अभी जो पप्पू यादव जी बोल रहे थे कि जज लोहिया से बात करवाए, तो राजनीति छोड़िए ना, पप्पू यादव चले गए, वो अब इस डिबेट में नहीं है, इस कार्यक्रम में नहीं है, और ये डिबेट का हिस्सा पप्पू यादव नहीं है। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए थे इसलिए हमने उनको इनवाइट किया था, लेकिन वो सियासी जमीन तलाशने लगे इसलिए हमने उनको शुक्रिया कहा। मैं आगे बढ़ता हूं और मैं कुलदीप जी का रुख करूं, लेकिन उससे पहले विवेक श्रीवास्तव, आपको बड़ी हंसी आ रही है सर, ये कोई कॉमेडी शो नहीं है, एक बहुत गंभीर मसले पर चर्चा हो रही है, और जहां पर साधु संत पर सनातन पर उंगली उठती है ना सर, आप सबसे पहले हंसना शुरू कर देते हैं। ये आपकी जो कम्युनिस्ट मानसिकता है ना सर, वो पूरा देश देखने लगता है, तो इसलिए हंसिए मत सर, कोई कॉमेडी शो नहीं है। मैं सबसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे भी उतने ही तीखे सवाल होंगे। आप देखिए, पहली चीज है, मैं किसी पत्रकार या एंकर का उपहास नहीं उड़ा रहा, लेकिन मैं ये भूत प्रेत की जब बात होती है तो मुझे हंसी आती है, तो मैं क्या करूं। आप सीरियस लेना चाहते हैं भूतों प्रेतों को, आपको भूत प्रेत दिख रहे होंगे, शैलेश जी को दिख रहे होंगे, मुझे नहीं दिखते साहब। नहीं नहीं, मुझे दिख रहे होते तो मैं सवाल नहीं कर रहा होता, विवेक श्रीवास्तव, में मुझे दिख रहे होते तो मैं सवाल नहीं कर रहा होता। जो समस्या में होता है उसे पता चलता है क्या समस्या है। आप सुनिए, जाकर के पूछिए, जो भूत प्रेत के शिकार होते हैं, हम तो भूत प्रेत को भगाने वाले व्यक्ति हैं, हम मंत्रों से भगाते हैं, हनुमान चालीसा से भगाते हैं, रामचरितमानस के मंत्रों से भगाते हैं, हम वैदिक मंत्रों से भगाते हैं, हिंदू धर्म पे कोई आघात नहीं है, को भगाते हैं, हिंदू धर्म को समझिए, हम लोगों को पहले हिंदू धर्म को समझिए, हम लोगों को आस्था का उपहास करवाते हैं, या आस्था को हम बेचते हैं, हम वैदिक मंत्रों का प्रयोग करते हैं, मंत्र में महाशक्ति है, हर जगह स्थान का महत्व है, बागेश्वर धाम स्थित स्थान है, उसका अपना एक महत्व है, इस प्रकार हमारे बिहार में हर शुभराम स्थान है, उस स्थान का महत्व है। मैं आगे बढ़ता हूँ, शुरुआत में डिबेट नहीं, शुरुआत में नहीं, शुरुआत में व्यक्तिगत मत लीजिए। विवेक श्रीवास्तव, आज बड़ा अच्छा लग रहा है सर, आपके मुंह से हिंदू धर्म, सनातन धर्म, सनातनी मर्यादा, प्रभु राम की बातचीत सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है सर मुझे। मैं आता हूं, दो एक्सपर्ट है, ठीक है विवेक जी, मैं आता हूं। कुलदीप जी, मैं पहले आपके पास आऊंगा, उसके बाद डॉक्टर सजीला, मैं आपके पास आऊंगा। कुलदीप जी, जरा बताइए, बड़ा लोगों का इंटरेस्ट है, कई सारे एक्सपर्ट सारे कह रहे हैं कि ये हाथों की सफाई है, ये तो जादूगर है। धीरेन्द्र शास्त्री, आपकी नजर में क्या है, आप भी कुछ वैसा कर सकते हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं वही हम कर सकते हैं, किसी को चैलेंज करना एक अलग चीज है। हमारे, मैं जैसे हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं, तो मैं अपनी पूजा पद्धति करता हूं, कोई दूसरा पूजा पद्धति करती है, मेरा प्रोफेशन जो है मैजिक का है, जादूगरी का है। हम लोग आदमी को काट के भी दिखाते हैं, उसको जिंदा करके दिखाते हैं, कोई चीज गायब करके दिखाते हैं, पैदा करके दिखाते हैं, उसको कला कहते हैं। अब रही विज्ञान की बात, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहले धीरेन्द्र शास्त्री जैसे हुए, और भी संत ऐसे हुए हैं, किसी ने छू के पत्थरी दावा करने का गायब किया, किसी दूसरे धर्म से हुए, हमारे एक बहुत बड़े संत थे। नहीं नहीं, वो बात आपकी ठीक है कुलदीप जी, लेकिन जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, चीज उदाहरण बता रहा हूं। बिल्कुल, आपको चूंकि इंट्रोड्यूस किया तो दर्शकों की इच्छा ये है कि कुछ चमत्कार दिखा दीजिए। उदाहरण बता रहा हूं कि सपोज देयर जैसे खाली आता है हमारे भी, अब मैं हवा में अगर कोई चीज मंगाता हूं, ये एक चैन मैंने मंगा ली, तो ये चमत्कार है, तो ये चमत्कार नहीं है, मैं ऐसे चमत्कार नहीं कहूंगा। फिर क्या है? लेकिन जो लोग हमें देखते हैं, जो लोग मेरे शो का टिकट खरीदते हैं, वो इसे चमत्कार मानते हैं। मैं एक आर्टिस्ट हूं, मैं ऐसे अपनी तो कला आपकी नजर में धीरेन्द्र शास्त्री जी जादूगर हैं, वो कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है, बिल्कुल कोई बालाजी की प्रेरणा उन्हें नहीं मिलती है जी, नहीं। आप ये कहना चाहते? बिल्कुल। कोई कुछ और दिखाइए। देखिए सर, सिंपल क्या है, चैन ये नहीं, क्लियर है। अब चैन को अगर मैं इसको ये कहूं कि ये गायब भी हो जाएगी, तो ये यहीं पे सीधे से वैसे रख के इसको गायब करेंगे, गो नहीं है। अब एक चीज आई आपके सामने, एक चीज चली गई, चूंकि मेटल की चीज है, तो सच्चाई है कि ना मैं कोई ऐसी चीज पैदा कर सकता हूं, ना मैं कोई ऐसी चीज गायब कर सकता हूं। नीचे रख दिया? नहीं सर, बिल्कुल कहीं नीचे नहीं रख दिया,
नीचे नहीं, कहीं नहीं रख दिया मैंने, आप यहाँ चेक कर सकते हैं इस पे। फिर से आप दिखाइए सर, आपके पास कोई पर्स है? आपके पर्स में से ही चेन निकलेगी भी जो यहाँ गायब हुई है? आपके पास अगर कोई पर्स है, वॉलेट है, दिखाइए उसमें से चेन निकलेगी। रखता मैं, अगर किसी के पास गायब करना है तो इसको गायब करके दिखाइए। हाँ, अब ये देखिए चैलेंज वाली बात, यही बात है। मैं एक आर्टिस्ट हूं, उनके पॉकेट में से निकाल दीजिए। अब सपोज दैट जैसे मैडम डॉक्टर है, सपोज अगर ये सर्जन है अपने ऑपरेशन थिएटर में, आप ऑपरेशन कर रहे हैं, अब कोई व्यक्ति कहे कि आप सड़क पे करके ऑपरेशन दिखाइए, तब मैं मानूंगा वाली बात जो है ये किसी के ऊपर लागू नहीं होती। अगर कोई मुझसे ये कहेगा आप सड़क पे आदमी काटिए जोड़ दीजिए, सर मैं तो भगवान नहीं हूं, नहीं जोड़ सकता। लेकिन मैं स्टेज पे दिन में 3 बार ऐसा करता हूं। मैं हाथी गायब किया बहुत दिनों तक, बाद में एलिफेंट पे रोक लगा दी। अभी शैलेश जी कहेंगे कि मुझे को गायब कर दीजिए। हाँ सर, आप मेरे स्टेज पे आइए, मैं गायब करूंगा, और मैंने ऐसा किया। ठीक है, रुचिका जी जो बातें इन्होंने कही, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है, कोई बालाजी की कृपा नहीं है, वो सिर्फ एक जादूगर है और एक सच्चे जादूगर है। देखिए, एक तो इन्होंने जो अभी सबसे पहले ये बात बोली इन्होंने कि मैं जो करूंगा वो मैं अपने मंच पे करूंगा, ठीक है, तो इस बात से ये बहुत बल्कि प्रूव हो जाता है जो उनके ऊपर धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर ये शोर मच रहा है ना कि नागपुर आइए, यहाँ आइए और यहाँ पर आके ये करके दिखाइए, तो वो अगर ये कह रहे हैं कि मैं अपनी गद्दी पे बैठ रहा हूँ और मेरी गद्दी पे आप जिस आप लोगों को जो चमत्कार देखना है देखिए, जो पूछना है पूछिए, तो उसमें क्या गुनाह हो गया? अगर वो अपनी गद्दी पे ही बैठ के सब चीजें प्रूफ करना चाहते हैं तो आप ही ने बात प्रूफ कर दी। फिर तो ये भी हो सकता है कि वो गद्दी लेकर फिर से चले जाए नागपुर। ये तो जादूगर है सर, वो मैम वो तो अचार बन गए, वो भी जादूगर नहीं। एक गद्दी की मर्यादा होती है, गद्दी में एक पावर होती है, तो गद्दी दोबारा नागपुर जा सकती है? तो वो स्थान होता है, बिल्कुल पूजा नहीं, तो वो गद्दी दोबारा नागपुर जा सकती है कि नहीं जा सकती है? बिल्कुल आ जा सकती है, वो गद्दी दोबारा नागपुर जा सकती है, तो अपनी गद्दी पे बैठेंगे ना। राकेश जी, पांडे जी, आप बागेश्वर धाम मंदिर उठा के ले जा सकते हैं, हम तो ना ले जाएंगे, इनको बोली जा रही है क्या, जज हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये क्यों निकला है वहां से, भोपाल से उठ के? वो कहां निकल के आ गए? वो उन्होंने अपना टाइम उनका पूरा हुआ, जहां तक उन्होंने जितने दिन उन्होंने रहना था, उसके बाद वो जहां पर पहुंचना था वहां पर पहुंच गए। साइंस की बात अगर आप लोग करते हैं तो साइंस में अगर आपको पता हो, एक ऑकल्ट साइंस नाम की भी चीज है, मैं खुद साइंस स्टूडेंट हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, साइंस बहुत उठ रही है, साइंस में अगर बात करते हैं तो साइंस में ऑकल्ट साइंस नाम का एक सब्जेक्ट होता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है, उसमें काम हो रहा है, तो जब साइंस भी उस चीज को मानती है तो आप लोग कैसे चैलेंज कर सकते हैं? नहीं, हम चैलेंज इसलिए कर सकते हैं, किसने देखा है? किसने देखा है? किसने देखा है? उन्होंने देखा है? आपने नहीं देखा तो क्या मतलब? अरे देखिए, आपने नहीं देखा है तो ये बातचीत रुचिका और डॉक्टर सजीला के बीच है, ये उन्हीं के बीच डिबेट होने दी। आपने नहीं देखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो होती नहीं है। नहीं नहीं, बात वो नहीं है, मरा बता नहीं सकता, जिंदा जा नहीं सकता, स्वर्ग और किसने देखे है, हम भी तो बताते हैं, बताती हूँ क्या मान सकता है सर। अच्छा, एक चीज मैं समझता हूँ रुचिका जी, डॉक्टर सजीला, आपके हिसाब से क्या ये एक बेहतर साइकोलॉजिस्ट है धीरेन्द्र शास्त्री? बिल्कुल, बहुत बढ़िया साइकोलॉजिस्ट है। पता क्या है सर, लोग बहुत परेशान हैं। पहले सबसे पहले मैं लोगों की मानसिकता करूंगी, इतने सारे साधु संत हुए हैं, सभी ढोंगी निकले हैं, सब जेल में हैं, अरे इतनी ही ताकत है। मत करिए, मैं इंटरफेयर करता हूँ। नहीं नहीं, डॉक्टर सजीला, आप सभी साधु संतों को ढोंगी नहीं कह सकती हैं। आप इस तरीके से नहीं, आपने कहा कि सभी साधु संत ढोंगी होते हैं। ठीक है, नहीं, उन्होंने अपने शब्द वापस लिए। रुचिका जी, मुझे सभी, एक मिनट रुक गया, ये मुझे बाकी मेहमानों के पास जाने दीजिए। एक मिनट, डॉक्टर सजीला मैं आऊंगा। एक मिनट, पहले मैं बताऊँ लोगों की मानसिकता क्या होती है, ये लोग क्या करते हैं, क्या होता है, दुनिया बहुत परेशान है, लोग क्यों इतने सब जगह, जैसे ये देखा गया है, कुछ लोग पकड़े गए, कुछ लोग तो पकड़े गए ना, राम रहीम साहब पकड़े हैं, निर्मल साहब, ये क्या है, ठीक है। अब बाद में पता चलता साधु नहीं, फिर भी लोग मानते हैं उनको, क्यों मानती है जनता? इसलिए मानती है, जनता बहुत दुखी है,
जनता बहुत भोली है, जनता की बहुत सारे परेशानियां हैं। मैं बेसिक आपको बता रही हूँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ, लोग अपने अपनी परेशानी का समाधान ढूंढते हैं, समाधान ढूंढते हैं, वो बहुत लोगों को लगता है कि कोई नहीं, कोई तो लोगों की समस्या है ना डॉक्टर सजीला, आप मेरे मन की बात जान सकती हैं, आप मेरे मन की बात जान सकती हैं, ठीक है, मैं कोई किसी के मन की बात नहीं जान सकता, तो वहां तो धीरेन्द्र शास्त्री जान रहे हैं ना, बागेश्वर धाम सरकार लोगों के मन की बात जान रहे हैं, आप मेरे मन की बात जान सकती हैं तो बताइए, जब तक जान रहे हैं ना, जब तक बाकी लोग भी बहुत, आप मेरे मन की बात जान सकती हैं, मैं आपके दावे में दम मानूंगा अगर आप मेरे मन में क्या चल रहा है बता दे, तो मैं आपके मन की बात जान सकती हूं अगर आप, तो बताइए मेरे मन में क्या चल रहा है इस समय, आपको देखिए बताइए मेरे मन में इस समय क्या चल रहा है, आपके मन में यही चल रहा है कि मैं डिबेट को आगे कैसे कैसे, बिल्कुल नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा, 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 बिल्कुल मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा था, मेरा डिबेट कैसे चलेगा ये मैं पहले से प्लान करके आता हूँ, तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल ये मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था, मैं आगे बढ़ता हूँ। रवि पांडे एक मिनट रुक जाइए, मुझे एक मिनट रुचिका जी रुक जाइए, रुचिका रुक जाइए, बाकी मेहमानों के पास जाने दीजिए, नहीं डॉक्टर सजीला मेरे मन में ये बिल्कुल नहीं चल रहा था, मेरे मन में ये बिल्कुल नहीं चल रहा था, मैं आगे बढ़ता हूं। ये बहुत जनरल सी बात आपने कही कि मैं डिबेट कंडक्ट कर रहा हूं तो डिबेट कैसे आगे चले ये मैं सोच रहा हूंगा, ये बहुत जनरल सी बात आपने कही। रवि पांडे आप छतरपुर से हैं, आपने आज ताल ठोक दिया और आपने कह दिया कि कई सारी शिकायतें वहां पर आई हैं, कोई किसी को कोई राहत नहीं मिली, आज तक आप शांत क्यों थे? देखिए क्या है कि हम एक समाज सुधारक तो है नहीं, और लोगों ने जब वहाँ पे भीड़ भाड़ जाने लगी, लोगों ने बताया कि वहाँ पे इस तरीके का वहाँ झाड़ फूंक होती है, वहाँ इलाज होता है, हमने उनसे पूछा कि भाई इसमें आप वहाँ जाते हैं, आपकी अंधभक्ति जो वहाँ है, तो आखिर आप आपको कुछ रिलीफ मिला? बोले वो 21 बार पेशी के लिए महाराज जी ने कहा है। अब जब 21 बार वो 21 मंगल वहाँ पेशी पे जाएगा तो ऑटोमेटिक वो अपने आप फिजिकली तौर पर ठीक हो जाएगा। भाई आप सोचें कि आदमी यहाँ से सुबह से 5 बजे से जाएगा, वहाँ लाइन में लगेगा, वहाँ हनुमान जी के चक्कर लगाएगा, और दूसरी चीज जरूरी नहीं है कि वहाँ लाखों आदमी जिस तरीके से जा रहा है, क्या लाखों आदमी को महाराज जी झाड़ फूंक थोड़ी ना करते हैं, या लाखों आदमी वहाँ से ठीक होकर थोड़ी ना आता है? अगर 2-4-5 आदमी ठीक हो गए तो वो 2-4-5 आदमी अपना प्रचार करते नहीं, हैं। नहीं रवि पांडे जी, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि लाख लोग में से 2-5 लोग ही ठीक हो रहे हैं और वहां पर बहुत बड़ा गड़बड़ जाला है, तो आप आज तक शांत क्यों थे जी? आप आज आपके अंदर समाज सुधार का ठेका कैसे आ गया? नहीं, समाज सुधार का ठेका तो विश्व हिंदू परिषद को लेना। मेरे अंदर समाज सुधार का ठेका नहीं आया भाई, क्या है जो सत्य है उसको कहना चाहिए, चाहे 100 आदमी के साथ हो, चाहे आज तक आपने सत्य को दबाकर क्यों रखा था? नहीं, मैंने सोशल मीडिया में मैंने बराबर प्रतीक्षा कर रहे थे, मैंने सोशल मीडिया जी मैंने सोशल मीडिया में लगातार इस बात का पुरजोर विरोध किया, और है क्या कहानी घूम फिर के ये है, क्योंकि अंधभक्त जो है उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर 100 आदमी किसी चीज को एक तरफ बोले और एक आदमी एक तरफ बोले तो 100 आदमी हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उनकी अंधभक्ति बराबर जारी है। स्वामी चेतनानंद ये मौके का इंतजार कर रहे थे? नहीं, मौके का इंतजार क्या, सबसे महत्वपूर्ण नहीं राकेश जी, देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी के जितने भी स्टेटमेंट है उन्होंने अपने आप को बहुत स्पष्ट क्लियर किया है। उन्होंने कहा मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं सिर्फ गुरु परंपरा से गुरु गद्दी को संभाल रहा हूँ, ये स्पष्ट उनका स्टेटमेंट है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक चमत्कार की बात है तो उन्होंने कोई ये दावा नहीं किया कि मेरे अंदर कोई शक्ति है और मैं कोई विशेष व्यक्ति हूँ और चमत्कार दिखा रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि हनुमान जी में शक्ति है, और जितने लोग सनातन को मानने वाले हैं वो सब लोग ये जानते हैं कि हनुमान जी की आराधना से बहुत सारी समस्याओं का निवारण होता है। हम खुद अपने लोगों को बताते हैं और उनकी समस्याओं का निवारण होता है। इसमें अगर आप ये कहते हैं कि साइकोलॉजिकली डील कर रहे हैं तो और साइकोलॉजिकल डील करके उनको फायदा हो रहा है। एक डॉक्टर के पास 10 पेशेंट जाते हैं और उनके पास लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं और वो साइकोलॉजिकली फिट हो रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर वो साइकोलॉजिकल भी डील कर रहे हैं तो इसमें अंध इसमें कोई चमत्कार की बात वो नहीं कहते। वो कहते मेरे पास जो लोग आते हैं मैं उनके निवेदन को हनुमान जी के पास रख देता हूँ और उनकी समस्याओं का निवारण होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो अंधश्रद्धा जो
उन्मूलन समिति है, इसको परेशानी क्या है? ये चैलेंज स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये दमोह में जिस समय 300 परिवारों ने घर वापसी की, जिस समय वही लोग तो ईसाई भी कर रहे हैं, वही दरगाहों में हो रहे हैं। आपने अच्छी बात छेड़ दी चेतनानंद सरस्वती जी, आपने अच्छी बात छेड़ दी चेतनानंद सरस्वती जी, आपने अच्छी बात छेड़ दी। ठीक है, मैं आता हूँ, एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। चेतनानंद सरस्वती जी, आपने अच्छी बात छेड़ दी, वो तस्वीर दिखाता हूँ, फिर विवेक श्रीवास्तव आपके पास आऊंगा, और उसके बाद कुलदीप जी मैं दोबारा आपके पास रुक करूंगा। किस तरीके से जो धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि जबरन जो धर्मांतरण हो रहा है रुकवा रहे हैं, घर वापसी करवा रहे हैं, ऐसे लोग जिन्हें जबरन मुस्लिम बना दिया गया, ऐसी ही एक महिला वहां पर पहुंची हुई थी जिसने वापस से हिंदू धर्म ग्रहण किया है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरे पिताजी का नाम आमिर खान है, मेरे तीन भाई है, मेरी माता का नाम सरवरी बेगम है। मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती हैं बहन? मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि एक धर्म एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है। इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती, इसमें औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती तलाक 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 बोल के। और वापस इनके घर वापसी हो चुकी है, इनका नाम सुधा रख दिया गया है। विवेक श्रीवास्तव, इसीलिए आप लोगों को दिक्कत है धीरेंद्र शास्त्री से, और इसीलिए आप लोग टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, जो मर्जी धर्म धर्म का पालन करो, मैं तो कुछ भी नहीं मानता हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं मानता हूँ, आप छोड़िए उस चीज को। नहीं छोड़े क्यों? नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, अरे छोड़े क्यों विवेक श्रीवास्तव? विवेक श्रीवास्तव छोड़े क्यों? सुनिए मेरी बात को, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक महिला, इस देश की एक लड़की कोई भी धर्म का पालन कर सकती है। हिंदुइज्म छोड़ के इस्लाम, इस्लाम छोड़ के हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जूडाइज्म, इट इज हर और विश। ये राइट उसको अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन देता है, कन्वर्ट करने का भी राइट देता है, जिससे चाहे शादी कर सकती है, हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से। नहीं नहीं, वही संविधान, वही संविधान आपको तथाकथित ये भी अधिकार देता है कि कुछ कुछ जो है युवक अपनी पहचान बदलकर हिंदू लड़की को फंसा ले लव जिहाद के खेल में, और उसके बाद आप उसको डाइवर्ट करें, अगली बार डाइवर्ट करें आप। लेकिन चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री इसके खिलाफ खड़े हैं, इसलिए टारगेट कर रहे हैं, घर वापसी करा रहे हैं। पानी कर रहा है, शादी करे इंटर रिलीजियस, एक एक करके यहाँ से संस्कृति पर सनातन धर्म पर लगातार प्रहार करते चले जा रहे हैं, और आपको लगता है कि हम मौत होकर ये सहते रहेंगे? ये संभव नहीं है, चेतनानंद सरस्वती जी मैं आता हूँ। विवेक श्रीवास्तव आपको इतनी मिर्ची क्यों लगी? नहीं मिर्ची लगी आपको, इसीलिए आप चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं, मिर्ची तो लगी आपको। आपका जो पाखंड है वो टूटने लगा है, आप नहीं साबित कर पा रहे हैं। अरे आप साबित करिए ना, धीरेन्द्र शास्त्री का पाखंड क्या है, आप साबित करिए। विवेक श्रीवास्तव आप एंडोर्स करिए, मैं एंडोर्स कर रहा हूं, आप में हिम्मत है, मैं एंडोर्स करता हूं कि हर मंदिर के पुजारियों में भी दलित पुजारी होना चाहिए हर मंदिर में। नहीं, आप आएंगे ना, ये आपका एजेंडा एक्सपोज हो जाता है, ये आपका एजेंडा यहीं पर एक्सपोज हो जाता है। मस्जिद पे जाओ, सरकार के देख लेंगे लोग, दूसरे धर्म पे जाते हैं, आपको मिर्ची लगती है, फिर मंदिर के खिलाफ ही बोल सकते हो। अगर आप
दूसरे खिलाफ बोलोगे सर तंजे जुदा हो जाएगा। जाके टोकरे रख के घूमते हैं दरगाहों में, कभी आदिवासी चिल्ला रहे हैं। एक मिनट रुचका जी, विवेक श्रीवास्तव मैं आगे बढ़ूं। चेतनानंद सरस्वती जी मैं आता हूं, चेतनानंद सरस्वती जी एक मिनट रुक जाइए। आचार्य नहीं, शैलेश जी एक मिनट, विवेक श्रीवास्तव एक मिनट। विवेक श्रीवास्तव आपने जो बातें कही, क्या आप यही मांग दूसरे धर्म के पूजा स्थलों को लेकर उठा सकते हैं? एक मिनट रुक जाइए चेतनानंद सरस्वती भाई, जहाँ गलत होता है। नहीं, आप गलत सुनिए, मंदिरों में नहीं, आप सवाल सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। आपने मंदिरों में पुजारियों को लेकर जो अभी एक मांग उठाई है, क्या दूसरे धर्म के पूजा स्थलों में उनके पुजारियों को लेकर ये मांग उठा सकते हैं आप? पुजारियों के लिए स्टेटमेंट, बिल्कुल आवाज सुन लीजिए, 10 सेकंड दीजिए मुझको, 10 सेकंड दीजिए सिर्फ। साम्यवाद कम्युनिज्म का जन्म कार्ल मार्क्स ने चर्च के साथ लड़ाई करके किया। चर्च के पादरी उस वक्त वहां भ्रष्ट थे, जमीनें हासिल कर रहे थे, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, और ये लड़ाई जब कार्ल मार्क्स ने लड़ी तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लड़ा। नहीं नहीं, वो आपकी कम्युनिस्ट विचारधारा देश में कहां तक टिकी हुई है, मैं उस पर डिबेट नहीं करना चाहता हूं। कुलदीप जी एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, एक मिनट, नहीं नहीं चलिए कुलदीप जी एक मिनट रुकिए, मैं कुलदीप जी, आपने कहा कि ये आपने एक चमत्कार दिखा दिया, तो ये चीजें दूसरे धर्मों में नहीं होती है क्या? कई सारी मिशनरियों के ये कार्यक्रम हमने देखे, तो वहां पर ये आवाज क्यों नहीं उठती है? ऐसे तो हमने कई सारे पादरियों को देखा कि ऐसे हवा में हाथ लहराकर चेन निकाल दिया। एक बहुत बड़ी संत हमारे ईसाई मिशनरी वही है जिनको बहुत बड़े तरह से पूजा जाता है, उनके बारे में कहा जाता है वो सिर्फ हाथ रख देती थी और कैंसर ठीक हो जाता था। बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है। मैं भी हीलिंग देता हूँ, ठीक है। अच्छा कुलदीप जी एक मिनट रुकिए, डॉक्टर सजीला, कुलदीप जी कोई और चमत्कार आप दिखाएंगे क्या? आज हम बोलूंगी यहाँ पे, मैं खड़ी हूँ, मैं बोलूंगी। हम लोगों को क्या बता रहे हैं, हम लोगों लोग बेचारे बोले, अरे किसका धर्म, धर्म में फंसता कौन सा इंसान है? नहीं, डॉक्टर सजीला नहीं, मैं धर्म के खिलाफ, नहीं धर्म के खिलाफ इस मंच से कुछ भी नहीं, डॉक्टर सजीला धर्म के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ इस मंच से कुछ भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। नहीं, सबकी धार्मिक भावनाएं अपनी है और किसी को भी कोई अधिकार नहीं है किसी की धार्मिक भावनाओं को कोई याद करे। आपने सभी साधु संतों को ढोंगी कह दिया, आप यहाँ धार्मिक परिभाषा कोई सिरे से नकार देना चाहती है, ये आपकी अपनी सोच हो सकती है, हम उस सोच से इत्तेफाक नहीं रखते। मैं कुलदीप जी, धर्म की हानि धार्मिक लोग ऐसे ही करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, आप सनातन के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती, आपको हिम्मत है दूसरे धर्म के खिलाफ बोलिए, आपको हिम्मत है तुम इस्लाम के खिलाफ बोलिए, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोलिए, घर से निकल नहीं पाएंगे आप। ठीक है, काम डाउन, कुलदीप जी, भूत मारने की साइंस पढ़ी, कुलदीप जी प्लीज, एटम्स फोटॉन्स न्यूट्रॉन्स पढ़े हैं ना, वो दिखाई देते हैं, अगर नहीं दिखाई देता तो समझ में आता है ही नहीं, दिखाई नहीं देते ना एटम्स, दिखाई नहीं देते, क्या दिखाई दिया? ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, रुचका जी हो गई आपकी बात, डॉक्टर प्लीज, चमत्कार दिखाओ। इससे पहले भी एक भाई साहब हमारे छतरपुर से बात कर रहे थे कि कुछ लोग ठीक हो जाते हैं और काफी लोग ठीक नहीं होते हैं, तो मैं जादूगर हूँ, मेरा शो जो लोग टिकट देख के आते हैं, टिकट लेके देखते हैं, ऐसा नहीं है कि 100% सबको शो अच्छा ही लगता है, ऐसा नहीं है। मेरी बहन जो बात कर रही है, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप दावा नहीं कर सकते कि आपके पास जितने भी मरीज आएंगे आप सबको ठीक कर देंगे, आप कोशिश करते हैं उनको ठीक कर देंगे। कोई भी डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि 100% हमारे यहाँ ठीक हो जाएगा। आज ईवास जो मेंटल हॉस्पिटल जैसे हम कहेंगे बने हुए हैं, तो मेंटल हॉस्पिटल में हम किसको लेके जाते हैं? जो दिमाग से ठीक नहीं है लोग। तो आपको लगता है कि प्रेत दरबार में जो लोग मेंटल होते हैं वो पहुंचते हैं? नहीं, कहां उन्होंने अभी शब्द इस्तेमाल किया, उन्होंने मेंटल हॉस्पिटल की बात की, तो मैंने उसी पर सवाल पूछा। तो वहां पे
क्या गारंटी है कि सारे डॉक्टर मिलकर सबको ठीक कर देंगे? सबको क्यों नहीं ठीक कर पाते? और अंत में डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अब ईश्वर के भरोसे हैं, प्रार्थना कीजिए इनके लिए, ये भी सत्य है। ठीक है कुलदीप जी, आपको दिखा रहे हैं, समय गुजरेगा, कुलदीप जी आप कुछ दिखा रहे हैं, दिखाइए पहले जरा, कुलदीप जी आपको दिखाइए, मनोचिकित्सक बात, कुलदीप जी आपको दिखा रहे थे। राकेश जी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, अभी आप वहां खड़े हुए हैं, मैं यहां, मेरे कोई पूर्व प्लान तो लोग देख नहीं है सर, नहीं आज से पहले मैं मिला भी नहीं हूं आपसे, बिल्कुल सर। एक सपोज दैट आप सोचिए कि आप किसी गार्डन में, सोच लीजिए माइंड, आपने वहां से दो चार फूल तोड़े, फूलों को मुट्ठी में बंद किया, थोड़ा सा ऐसे किया, तो जाहिर सी बात है स्मेल कोई आएगी, खुशबू आएगी। आप दोनों हाथ अपने ऐसे कीजिए, ऐसे रखिए, यूं कीजिए, रब कीजिए, थोड़ा रब कीजिए, राइट हैंड को सूंघिए, खुशबू आ रही है सर? सर वो तो मैं नॉर्मली मॉइस्चराइजर ठंडी का दिन है सर, लगा के रखते हैं, वैसी स्मेल तो आती रहती है। जो आप डेली लगाते हैं उससे हटके नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल वैसे हटके नहीं है। मैं करूं? आप बहन को सुखाइए जरा हाथ अपना। नहीं नहीं तो इसमें अपना कर लेती हूं, पर्स को गायब कर दीजिए ना, अगर आज वो जा रहा है तो मैं ऐसे कर लेती। देखिए मैंने भी क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो संत है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो गुरुद्वारा है, हर जगह लोग अपनी समस्याएं ही लेके जाते हैं। वहां पे जो आपका गाइड है वो किस तरह का बैठा हुआ है, कैसे आपको दूर करता है? सर कई बार बहुत बड़े अस्पताल में लोग जाके ठीक नहीं होते, एक वैद्य की दवा से ठीक हो जाते हैं, तो उसका तो विश्वास उस वैद्य पे हो गया ना। हम जादूगर बहुत तरह के हैं। कई लोगों ने कहा कि आपके शो में दम नहीं है और पब्लिक ने बहुत प्यार दिया। आज 32 साल मुझे हो गए सर, मैं गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर हूं, 32 साल से मैं जादू कर रहा हूं, हाथी गायब करता हूं, कार गायब करता हूं, बच्चे गायब करता हूं। मैं समझ गया आपकी बात, आप ये साबित करना चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी सिर्फ एक जादूगर है, कोई हनुमान जी की कृपा जैसी चीज नहीं होती है, कोई बालाजी की कृपा नहीं है, जादूगर नहीं, मन की बात नहीं जान पा रहे हैं, मैं जादूगर नहीं, हाथ की सफाई है, नहीं मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा हाथ की सफाई है, ना मैं उनको जादूगर मानता हूँ, खेल होता है, ये मेरी अपनी कला है। वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।